में भ्रम है तो उनके लिए फोन लगाने की जरूरत नहीं। ऐसा है क्या? क्या ये सब अपनी अपनी कलाएं हैं? बाकी देखा जाओ ठीक है। ऐसा है ना कि राम ठीक है, ब्रह्म है, शिव भी ब्रह्म है। हाँ, उन्हीं का नाम शिव भी है, तो हम लोग ओम लगाते हैं। जब हम किसी को संबोधित करेंगे तो ओम लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम उसको मंत्र के रूप में करेंगे तो ओम लगाने की ज़रूरत है। तो हम तो ठीक भी कर रहे हैं। हाँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब हम कहेंगे शिव तो शिव कह सकते हैं, लेकिन जब हम मंत्र के रूप में बोलेंगे तब ओम लगाने की आवश्यकता हो जाएगी। तो यहाँ जैसे इन्होंने दिखाया है, गायत्री मंत्र दिखाया, ये जब हम लोग किसी भी मंत्र साधना पर जाते हैं तो पहला काम क्या होता है कि उसको लिखना, जैसे ये लिख रहे हैं ना, तो ये पहला काम होता है कि आप उसको लिखिए। और उसको कब तक आप लिखेंगे, अब एक प्रश्न उठता है, कब तक लिखेंगे जी? ऐसा तो आप उसको तब तक लिखेंगे जब तक कि आपके दिमाग में अंकित ना हो जाए, यानी जब आप आंख बंद करें तो आपको वो दिखने लगे। ठीक वैसा का वैसा जैसा लिखा हुआ है ना, वैसा का वैसा आपको दिखने लग जाए। पहले तो भोजपत्र में लिखा जाता था और केसर से लिखा जाता था, मान लीजिए भोजपत्र उपलब्ध या नहीं है ऐसे भी है, तो किसी किसी के हो सकता है पूजा की दुकानों पर हो थोड़ा बहुत, तो नहीं भी हो सकता है। तो लिखने का जो विधान है वो भोजपत्र में ही है, लेकिन मान लीजिए वह नहीं है तो कॉपी में भी लिख रहे हैं। तो आप उसको लिखना है, और इन्होंने बड़ा सही सही लिखा है, बिल्कुल एक जैसा लिखा है, थोड़ा भी हेर फेर नहीं है। इससे पता चलता है कि इनमें काफ़ी एकाग्रता है, क्योंकि बिना उतनी एकाग्रता के आप ऐसा लिख नहीं सकते। हैंडराइटिंग से आप जो है किसी का व्यक्ति का सब कुछ बता सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, जो हैंडराइटिंग को पढ़ता है वो बता सकता है कि उस व्यक्ति का आचार विचार व्यवहार उसका उसका पूरा सब कुछ पता चलता है, उस समय की उसकी मानसिक दशा क्या है। तो इन्होंने काफ़ी एकाग्रता के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इनकी धारणा शक्ति बहुत मजबूत है। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें कि आप लिखते हैं, और तब तक लिखते रहेंगे आप जब तक कि आपके दिमाग में अंकित ना हो जाए, यानी जब आप बंद करें, आप जब सो जाएं तो आपको वही आते रहें। जब वो आने लग जाएगा लिखा हुआ, तो इसका मतलब है आप फर्स्ट स्टेज को पार कर गए, अब आप मंत्र के जाप के लिए तैयार हैं। हम जैसे गुरु जी नहीं, हाँ, तो बेचैनी होती है। हाँ, तो मंत्र के जाप के लिए आप तैयार हैं। मंत्र का जाप कुछ लोग बिना उसको अंकित किए हुए ही जाप करना शुरू कर देते हैं, वह सही तरीका नहीं है, क्योंकि अभी आप पात्र ही नहीं हुए। जब दिमाग पर अंकित हो जाए तभी आप पात्र होते हैं, तब आप जाप करें। जाप करने की विधि बहुत सारी है, क्रमशः है। तो पहला स्टेज जैसे कि होता है यह हुआ, इसको पार करेंगे तो जो मंत्र का जाप करेंगे उसमें वाचिक होता है, जो मुँह से आप बोलते हैं, आवाज़ जिस पे आती है सभी लोग सुनते हैं। इसके बाद दूसरे स्टेज आती है वो पांसु, जब ओठ से आप बुदबुदाते हैं, जिसको कि आप ही सुनते हैं, दूसरा अन्य कोई नहीं सुनता है। इसके बाद तीसरा जो स्टेज है, जिसका कि जिक्र शास्त्र में बहुत ही कम आया, नहीं के बराबर आया है, वो परंपरा से आता है। अधिकतर लोग तो यहाँ के बाद जो है वो मानसिक पर चले जाते हैं, लेकिन मानसिक नहीं है। इसके बाद अनुनासिक होता है, यानी आप उसी को गुनगुना करके करेंगे, समझ रहे हैं, यानी उसको आपने वाइब्रेशन में बदल दिया, जिसका कि कोई बार कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे निकलेगा, यानी उसको तरंगों में आप बदल रहे हैं। जैसे कि जैसे इन्होंने कहा ना, ओम भूर भुवस्वः, इतना हुआ मान लीजिए, तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं, समझ रहे हैं, गुनगुना के। यह जो है ना, यह आप अनुनासिक हुआ, मन ही मन जो है इसको मैंने, हाँ, नाक से गुनगुनाया। अब ये जो पहले जो वाचिक था या उपांशु था या इसमें जो आपकी जो ताकत लग रही थी ना, ताकत उतनी ही लगनी चाहिए, अनुनासिक में भी ताकत उतनी लगनी चाहिए, यानी जिस मांसपेशी का आप में जोर पड़ रहा था, पेट की मांसपेशी का या मल द्वार का या सीने का, फेफड़े का, पीठ का,
गले का, जीभ का, तालू का, जो भी है, इतना ही जो है जोर अनुनासिक में भी पड़ेगा और उसमें भी पड़ेगा, उपांशों में भी। जब यह हो जाएगा ये तीनों, और आपको वो उसमें शिफ्ट करना कब, वाचिक से उपांशों में कब शिफ्ट करेंगे, जब आप बोलते बोलते इतना वो हो जाए कि वह आपकी एक तरह से आदत में शुमार हो जाए, वैसे आपकी बोली आप निकलने लग जाए, समझ रहे हैं, यानी आपको प्रयास से नहीं बोलना पड़ रहा है, अपने आप ही वह बोली निकल जा रही है, वो ऐसी आदत में आपकी आ गई, यानी आपके दिमाग में काफ़ी रच बस गई, तब आप उपांशों के पात्र हो जाते हैं। फिर उपांशों के बाद फिर अनुनासिक के पात्र होंगे उसी तरह से। फिर अनुनासिक के बाद जो है ये प्राण जप होता है, उसमें क्या होता है कि श्वास की ही ताकत लगती है, यानी उसमें गुनगुनाना भी ये छूट जाएगा, लेकिन आप सांस से ही आप मन ही मन बोलेंगे, पूरी सांस की ताकत लगाएंगे आप उसी तरह से, तो वह प्राण जप कहलाता है। यह भी एक तरह से गौण कर दिया जाता है, ये सब गोपनीय रहस्य में चला जाता है सब। तो जब प्राण जप आपका पूरा हो जाता है, उसके बाद जो है मानसिक जाप आता है। अमूमन लोग मानसिक जाप का अर्थ सोचते हैं कि मन ही मन बोल दिए, ये हो गया मानसिक जाप, ये ही मानसिक जाप नहीं है। मानसिक जाप का मतलब हो गया आप मन से तो जो बोल रहे हैं उसमें आपकी सांस की गति जो है स्थिर है, ये समझ लीजिएगा, सांस आपकी जो है एकदम स्थिर है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सांस ले रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, इतना धीमे धीमे सांस लेते हुए आपको मन से उस चीज़ का उच्चारण करना है, यानी उसमें आपकी मांसपेशियों की ताकत नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ दिमाग की मांसपेशी की ताकत लगेगी उसमें, बात समझ में आ रही है, सिर्फ मन की जो मांसपेशी है मस्तिष्क की वही ताकत लगेगी, ना कि इनकी पेट की या डायफ्राम की या इसकी फेफड़े की, इन सब की बिल्कुल नहीं लगेगी ये, और एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि जब प्राण जैसे रुक सा गया है, और वैसी स्थिति में जब आप जाप करेंगे मन से जब करेंगे तो आपको वे जो ध्वनियाँ हैं शब्द हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं उसके विषय में आपको पता चलने लगेगा, वह मानसिक जाप होगा। उसके बाद फिर आप उसको भी नहीं करेंगे, वह भी जब पूरा हो जाता है तो फिर उसको भी नहीं करते हैं, फिर चुपचाप हो जाते हैं, और अब तक जो किया है इसका वाइब्रेशन जो है वो आपको फील होगा अपने आप, जो आपके भीतर में प्रतिध्वनि आ रही है वह आपको फील होगा अपने आप, और उसके बाद क्या होगा कि वह प्रतिध्वनि भी शांत हो जाएगी, आपकी सांस भी शांत हो चुकी है, आपकी वाणी भी शांत हो चुकी है, आप जो गुंजार कर रहे थे वह भी शांत हो चुकी है, हर तरह पूरी शांत हो गई, अब आपका पूरा शिव तत्व में प्रवेश हो गया, वह जो है निर्विकल्प समाधि की अवस्था होती है। तो मंत्र साधना के जरिए आप इस तरह से शिव तत्व को प्राप्त होते हैं, ये जप का तरीका होता है, संक्षेप में मैंने बताया है। जब आपको साधना करना चाहेंगे तो इसकी साधना हम लोग कर सकते हैं, तीन घंटा साढ़े तीन घंटा के आसपास लगेगा, तीन साढ़े तीन घंटा के करीब लगेगा, उसको हम लोग एक बार बैठ करके कर सकते हैं, जब चाहेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग बस आप शुरू करिए, फिर हम लोग करेंगे, ठीक है।